तो आज मैं आया हुआ हूँ अभी ये जुमेरा बीच रेसिडेंस के साइड में, और ये जो आप सामने देख रहे हैं ये शेख जायद रोड है जो दुबई की मेन लाइन है, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा बिजी रूट है, बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारा है इस रोड का। और ये जो सामने आप देख रहे हैं ये कुछ स्ट्रीट का नज़ारा है, और इस तरीके से यहाँ पार्किंग वगैरह दिख रही है आपको, मतलब यहाँ की जो सिस्टम है ना बहुत ही ज़बरदस्त है। अभी मैं आपको इस जुमेरा बीच रेसिडेंस के एरिए की ना हर एक व्यू दिखाने वाला हूँ, बहुत ही स्पेशल होने वाला ये वीडियो। और वो देखें शेख जायद रोड के पास में मेट्रो जा रहा है, वो लाइन है ना, तो अभी देखेंगे मैं आपको इसके बिल्डिंग के दूसरे साइड से जो दिखा रहा हूँ। तो ये दुबई मरीना है, ठीक है, यहाँ पर प्राइवेट यार्ड वगैरह भी लगाई जाती है। और वो जो सामने में कर्व वाली बिल्डिंग देख रहे हैं वो कायन टावर है। तो और इस तरीके से यहाँ पर की जो खूबसूरती है, मतलब आपको देख कर ना बहुत ही मज़ा आएगा, मतलब जब सामने से देखेंगे वीडियो में तो देखकर अच्छा लगेगा ही आपको, लेकिन एक बार तो ज़रूर ख्वाहिश होगी आपकी कि एक बार मैं इस जगह पर जाऊँ। मतलब इसकी जो खूबसूरती है ना वो अनबिलीवेबल है, मतलब बहुत ज़्यादा मज़ा आता है यहाँ पर। मुझे तो पर्सनली यहाँ पर इतना ज़्यादा मन लगता है क्या बताऊँ। यहाँ पर अभी सामने में जो देख रहे हैं आप, ये पूरा का पूरा पाम जो मेरा है, जो बिल्कुल ही आर्टिफिशियल आइलैंड बनाया गया है। ये दुबई जो है ना, कहना कुछ फीका सा लगता है, इसे इनक्रेडिबल दुबई कह देना ही ज़्यादा बेहतर होगा। तो यहाँ का नज़ारा आप देखें पहले, फिर मैं आपको पार्टिकुलरली हर जगह के बारे में बताऊँगा, ठीक है। ये पूरी जो है यहाँ पर रेसिडेंस का भी एरिया है और कुछ होटल्स वगैरह भी हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको होटल्स अगर लेते हैं या रेसिडेंस वगैरह भी लेते हैं तो उसकी कॉस्टिंग अप्रॉक्स 1000 AED से वो स्टार्ट होकर 1500 AED तक आता है, जिसमें आपको प्राइवेट बीच भी मिल जाता है। और यहाँ पर की सारी सीनरी तो आप देख ही रहे हैं, स्विमिंग पूल है, गार्डनिंग है, मतलब ये नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है, ठीक है। तो ये होटल की कॉस्ट मैंने बताई 24 आवर्स की कॉस्टिंग ये आती है 1000 AED टू 1500 AED, वो एक मिल जाता है रूम आपके लिए, और उसमें मैक्सिमम 4-5% अलाउ होते हैं। ये देखें यहाँ से, मतलब अभी मैं जिस फ्लोर पे हूँ वो 43 है, और बहुत ही नज़ारा यहाँ पर का खूबसूरत है। ये आपको जो दिख रहा है वो फ्लाइट लैंड हो रही है, ये पर्सनल रनवे है इनका है, वो स्काई डाइव वाले का है, यहीं से वो लोग स्काई डाइविंग कराते हैं ना। ये देखे बंदे कुछ ऊपर से नीचे आ रहे हैं, आप जो नज़ारा पबजी में देखते हैं जिस तरीके से आप ऊपर से फ्लाइट से नीचे उतरते पैराशूट लेकर, उसी तरीके का नज़ारा यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो उसकी कॉस्टिंग अप्रॉक्स 2000 होती है स्काई डाइव वाले की, 2100 AED दिरहम जिसे कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। और इसकी कॉस्टिंग तो बता दी हमने, और इसमें आपके साथ एक डाइवर्स मिलते हैं जो आपको ऊपर से नीचे उतरने में हेल्प करते हैं, लेकिन उसमें उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। अगर आप एक्सपर्ट हैं, आप खुद से डाइविंग कर सकते हैं, तो उसके केस में आप खुद से कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें सामने में ये बुर्जुल अरब दिखाई दे रहा है, यहाँ से ज़्यादा दूरी पर नहीं है, थोड़ी दूर पर ही है, ठीक है। तो ये जो बीच है ना, ये पूरी तरीके से यहाँ पर आइलैंड जो बनाया गया है वो आर्टिफिशियली बनाया गया है। इसको बनाने में जितना सैंड लगा है, अगर इस लगे हुए सैंड को अगर पूरे हमारे अर्थ प्लेनेट के चारों तरफ इससे अगर बाउंड्री बनाई जाती तो एक वॉल बन जाती, पूरी प्लेनेट की वॉल बन जाती जितनी यहाँ पर सैंड लगी है। कंक्रीट बनाया गया है सैंड मिलाकर। और ये जो दिख रहा है आपको सामने में वो होटल अटलांटिस है, अटलांटिस द पाम जिसे कहते हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पर, यहाँ पर रहने की तो बात ही अलग है। दुबई आने के बाद ना आपके सपने बड़े हो जाएंगे, आप ना छोटी छोटी चीज़ों को बिल्कुल पीछे छोड़ देंगे। वो देखें अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ये जियांट व्हील है दुबई का जो इनकम्प्लीट है, ऑलमोस्ट मे बी अभी कंप्लीट हो गया होगा ये वीडियो जो मैं शूट कर रहा था,
ये थोड़े दिन पहले की वीडियो है, मतलब आज से एक साल पहले की, दैट मीन्स 2020 की वीडियो है। अभी मे भी वो कंप्लीट हो गया होगा, अभी मैं लॉकडाउन के बाद फिर गया नहीं हूँ, अभी तो फिर फ्लाइट भी बंद हो चुकी है। इंशाल्लाह फिर जल्द ही जाऊँगा और आगे की प्लानिंग फिर दुबई की ही है। देखें इंशाल्लाह फिर आपको बहुत ही अच्छे अच्छे जगह दुबई की दिखाऊंगा वीडियो में। और अगर आप अपन हमारे चैनल पर पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके की सीनरी वीडियोस और व्लॉगिंग के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए और इंजॉय करते रहिए। ये जियांट बिल के पास का जो सीनरी है ना, बहुत ही खूबसूरत है। वो भी आइलैंड ही बनाया गया है पार्टिकुलर। यहाँ पे सबसे खूबसूरत बात ये है ना, अभी जो मैं जिस जगह पर हूँ, ये जुमेरा बीच रेसिडेंस है, यहीं से आगे बढ़ेंगे हम लोग तो मिलेगा एक साइड में हम लोगों को एक साइड में हम लोगों को कैनल देखने को मिलेगा, दुबई कैनल, ठीक है। और दूसरी साइड में जब उस कैनल से आगे बढ़ेंगे हम लोग, जुमेरा के पास आगे जाएंगे, तो वहाँ से आपको मिलेगा दुबई, द वर्ल्ड आइलैंड मिलेगा आपको, ठीक है। दुबई वर्ल्ड आइलैंड, उसकी ना सबसे बड़ी ख़ास बात क्या है कि उस आइलैंड पर ना पार्टिकुलर छोटे 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 बहुत सारे आइलैंड बनाए गए हैं। मतलब जैसे आपका एक कंट्री इंडिया है, तो इंडिया के लिए अलग एक आइलैंड बना है और उसका नाम इंडिया है, पाकिस्तान अलग है। मतलब वर्ल्ड मैप में जितने भी प्लेसेस हैं ना, उन सारे प्लेसेस को पार्टिकुलर छोटा छोटा आइलैंड करके बनाया गया है, वो इनक्रेडिबल है। इंशाल्लाह बहुत ही जल्द मैं उसकी भी वीडियो लेकर आऊँगा, अभी फ़िलहाल आप इस वीडियो को इंजॉय करें। तो मैं अभी ये 43rd फ्लोर पर से शूट कर रहा हूँ और सॉरी पिक्चर्स क्वालिटी थोड़ी डल लग रही है, बिकॉज़ ये जूमिंग करने पर थोड़ी सी ब्लरिंग टाइप की होगी वीडियो, बट क्या कर सकते हैं, अभी तो इससे कोई इनकम है नहीं जो मैं इतना ज़्यादा इस पे एक्सपेंसेस कर पाऊँ। तो इंशाल्लाह आगे आपको दिखाएंगे। तो ये देख लें, पूरी जो है ना पाम जो मेरा है, और यहाँ पर जितने भी जो बनाए गए हैं हाउसेस या होटल्स या जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर देखने को मिल रही है, वो पूरी की पूरी जो है ना आइलैंड है ये, और ये आर्टिफिशियल आइलैंड है। ये दुनिया का ना सिर्फ वाहिद आइलैंड है जो आपको स्पेस में से भी दिखाई देता है, ठीक है। तो इसकी खूबसूरती जो है ना, असल में सामने से तो देखने में नहीं समझ आएगा आपको कि इस तरीके से पाम बना हुआ है। ये पाम बना हुआ देखना है अगर आपको, तो आपको ना ऊपर जाना पड़ेगा, आसमान से दिखाई देगा ये आपको, या फिर आप इसे मैप में देख सकते हैं। इसकी बहुत ही लाजवाब जो है सीनरी है, और सामने से जब जाएंगे आपको तो आपको तो लैंड दिखाई देगा, वो पता नहीं चलेगा कि मैं अभी कहाँ पर हूँ, और वो पाम टाइप का दिखाई भी नहीं देगा। तो इस तरीके से इस दुबई को ना ख़ास बनाने में सबसे बड़ा हाथ इसी का है, और ये इनक्रेडिबल दुबई या इनक्रेडिबल यूएई मैंने जो कहा, इसी बेसिस पे कहा, क्योंकि यहाँ के ना सारी चीज़ें जो है बिल्कुल अपने आप में एक अनोखी है। मतलब दुनिया में ऐसी चीज़ें बहुत रेयरली जो होता है ना, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और फिर बाकी चीज़ें तो खूबसूरती, आइलैंड, ये सारी चीज़ें तो अलग से। ये जो जियांट विल देख रहे हैं आप, इसके अंदर अभी लगने वाले सिटिंग लगने वाले, जिसमें बैठते हैं ना, डोली जिसे कहते हैं, तो वो लगने वाले अभी पूरे, मे बी वो कंप्लीट हो गया हो, मैंने अभी फिर लेटेस्ट अपडेट देखा नहीं है उसका। उसके आसपास का जो सीन है ना, बहुत ही खूबसूरत है। वहाँ घूमने का मज़ा जो है अगर लेना आपको, तो वो रात के टाइम में ले सकते हैं। ये देखिए रनवे जो है स्काई डाइव का, वहाँ से एक फ्लाइट अभी ऊपर जा रही है ना, टेक ऑफ हुई है ना, अभी यहाँ से लेकर ये जाएंगे बंदे को ऊपर ले जाकर छोड़ेंगे। और डाइवर्स जो उनके साथ होते हैं ना, उनको आइडिया है कि बंदे को कहाँ पर लैंड कराना है, तो वो पैराशूट के ज़रिए वो लेकर नीचे साथ में आते हैं। लेकिन कुछ लोग एक्सपर्ट होते हैं जो, तो वो लोग खुद से अकेले ही वो ऊपर से डाइव करते हैं, और वो आराम से इंजॉय करके ही नीचे आते हैं। लेकिन अगर आप डाइवर्स के साथ जाते हैं ना, तो आपका एक नुकसान ये हो जाता है कि आप कोई वो जो है डाइवर्स ना बहुत जल्दी नीचे उतार देते हैं, उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आ पाएगा।
लेकिन खुद से अगर आप कर पाएंगे तो फिर उसकी बात अलग है, उसका एंजॉय जो होगा बहुत ही अलग होगा। आप स्लोली मस्ती के साथ नीचे आएंगे, लेकिन इसके लिए भी ना गट्स चाहिए। ये डाइविंग करना ना हर किसी के बस की बात नहीं है। उड़ती हुई फ्लाइट में से जंप करना, कितने की जान वहीं पे निकल जाती है। लेकिन स्काई डाइव वाले ऐसे भी लेकर जाते नहीं हैं, किसी को भी लेकर चले गए हार्ट अटैक हो जाएगा तो मसला है। अभी देखें, अभी वो जो रनवे देख रहे हैं, रनवे पर भी वो फ्लाइट दूसरी आने वाली है। वो बंदे को छोड़कर आ गए, वापस से आ रहे, ठीक है ना। और ये ना प्राइवेट है, यहाँ पर चॉपर्स वगैरह भी आते रहते हैं, और ये प्राइवेट स्काई डाइव वाले का ही रनवे है, सिर्फ यही लोग लैंडिंग करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर जो नज़ारा है बहुत ही खूबसूरत है, मतलब दिन रात यहाँ पर रह लो फिर भी आपको लगे कि नहीं थोड़ा और रह लूँ, थोड़ा और रह लूँ। पर्सनली जिसका लगाव बीच से है ना, उनके लिए तो ये जगह बेस्ट है भाई। मुझे तो बीच बहुत पसंद है, तो मेरा तो बहुत दिल लगता है। मेरे पार्टनर्स, मेरे दोस्त लोग जो है निकलना नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी मैं बहुत बार अकेला ही चला आता हूँ। बहुत बार आते वो लोग नहीं भी आते तो मैं अकेला बीच घूमता हूँ। दुबई का पर्सनली मैं बीच ही ज़्यादा घूमता हूँ, और फिर यहाँ के मार्केट्स हो गए, मॉल्स हो गए, ये सारी चीज़ें अमेजिंग, बहुत मज़ा आता है। यहाँ पर तो भाई पूरी ज़िंदगी गुजार लो तो दिल नहीं घबराएगा, लेकिन हाँ आपके जो पार्टनर्स होने चाहिए ना वो अमेजिंग होने चाहिए, आपके टाइप के होने चाहिए। अगर आपके पार्टनर्स बोरिंग हैं और उन्हें एंजॉय करना पसंद नहीं है तो फिर भैया आप निकल लो, घर ही निकल लो, आपका यहाँ पर कोई मज़ा नहीं होने वाला है। यहाँ पर बोटिंग करना ये बहुत ही ज़बरदस्त है, स्टीमर से जो बोटिंग करते हैं ना उसकी जो बात है बहुत ही अलग है। ओके गाइस, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।